दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास है ना? मजे में? वेरी गुड दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास 11। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही कमाल का चैप्टर है। पता है क्यों कमाल का है? क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर फीलिंग पे बेस्ड है। मतलब इसमें जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको फील करना पड़ेगा, है ना। अभी तक क्या होता था, क्वेश्चन फिलहाल फील करते थे, समझते थे, लेकिन इसमें मजा आएगा। क्यों? क्योंकि ये फीलिंग है, लॉजिक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर फीलिंग और लॉजिक पे बेस्ड है। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको समझना तो पड़ेगा ही, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक लगेगा। उस लॉजिक को अगर आप फील कर ले गए तो आप क्वेश्चन यू कर ले जाओगे। ठीक है। तो बच्चों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक। इससे पहले हम एक चीज समझते हैं जिसको बोलते हैं क्या? फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। तो बच्चों, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल को हम लोग बच्चों बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। बहुत ध्यान से समझना बात को। मैंने क्या कहा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या मतलब है, इस चीज को समझो बहुत ध्यान से। देखो बच्चों, फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये एन बनाया और फिर इस तरह से एक ये एक्सप्लेनेशन मार्क, पता होगा आपको, इस तरह से लिखते हैं। इसको बोलते हैं एन फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? एन फैक्टोरियल। और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों का मतलब फैक्टोरियल ही होता है। ठीक। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए बच्चों को आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ऐसे 6 फैक्टोरियल। क्या लिख दिया? 6 फैक्टोरियल। तो अभी देखो मैंने क्या बताया, फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट बनाएंगे, इसके प्रोडक्ट यानी मल्टीपल बनाएंगे। कब तक? जब तक हमें 1 ना मिल जाए। कैसे? देखो, हम ऐसे लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ठीक। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो इसका आएगा वो आंसर हो गया। क्या होगा? 2 × 3 = 6 × 6 = 24 × 24 = 5 × 5 = 120 × 6। तो ये कितना हो जाएगा? 720। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 720 आ गया। ठीक है। चलो, अच्छा एक जैसे और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा 5 फैक्टोरियल। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर बोला है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है, देखो 6, 5, 4, 3, 2, 1 सब नेचुरल नंबर है ना। हाँ, अब इसी तरह से इसका बताओ क्या आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 4 × 3 × 2 × 1, लिख सकता हूँ ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना होगा ये 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, 5 × 1 = 120। तो कितना आ गया? 120 आ गया। तो बात समझ में आई फैक्टोरियल क्या चीज है? समझ में आया ना? अच्छा, आगे देख लो। जैसा कि मैंने बच्चों भी बोला कि ये क्या है, नेचुरल नंबर का ही प्रोडक्ट करना होता है। तो अगर आपको देखो, फिलहाल कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, फिलहाल तो ऐसा आएगा नहीं। यहां पर लिखा है माइनस। ठीक, याद रखना हम यहां पर सिर्फ पॉजिटिव नेचुरल नंबर की बात, और फिलहाल नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही होते हैं ना, पॉजिटिव ही होते हैं। तो यहां पर ये माइनस इस तरह से आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। ये क्या चीज है? अभी डिफाइंड नहीं है, यानी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। अगर कोई आ जाए तो बोल देना नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेचुरल बनेगी ही नहीं, क्योंकि यहां पर तो माइनस आ रहा है ना। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अगर आपको मान लो कभी पॉइंट में मिल जाए, ऐसे मिल जाए 2.5 फैक्टोरियल, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ये भी नॉट डिफाइंड है। ठीक। हमेशा आपको ऐसे कोई नंबर मिलेगा, 6, 7, 8 व्हाटएवर, कुछ भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन कभी भी माइनस में नहीं मिलेगा, कभी भी पॉइंट में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये भी नहीं। अच्छा, उसके बाद में ये भी चीज आपको नहीं मिल सकती। तीसरी चीज बच्चों, अगर आपको कभी ऐसे दिया हो 0 फैक्टोरियल, तो अभी मैंने यहां पे नेचुरल नंबर बोला, मगर 0 फैक्टोरियल डिफाइन किया गया है, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। अब ये कैसे डिफाइन किया गया, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, अभी समझेंगे, है ना, समझेंगे इस बात को, परेशान मत हो। तो ये बात समझ में आई क्या कि फैक्टोरियल क्या है?
कोई भी फैक्टोरियल आपको ऐसे दे दिया जाए, कोई भी नंबर होगा, बस उसका मल्टीपल करते चले जाओ जब तक हमें वन ना मिले। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब जैसे मान लीजिए बच्चों, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है 8 फैक्टोरियल, ठीक, तो आप इसको कैसे लिखोगे? ऐसे तो लिखोगे 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसा तो लिखोगे, इसका मतलब तो यही है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर इसको किसी फॉर्मूले के द्वारा दर्शाएं, फॉर्मूले के द्वारा बताना चाहे तो कैसे बताएंगे? जैसे मान लो ये 8 क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर ही है ना, नेचुरल नंबर 8, तो इसको मैंने n से लिख दिया, ऐसे n फैक्टोरियल, ठीक। तो देखो अब जैसे यहां पे मैंने 8 फैक्टोरियल लिखा तो ये बना दिया, अब अगर n लिखा है तो इसके हिसाब से क्या बनेगा? ध्यान से देखो, यहां पे पहले 8 है, 8 है तो इसी तरह से n होगा, फिर कितना आया 7। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 8 − 1, मतलब तो 7 ही होगा। इसका मतलब क्या है? 7 का मतलब 8 − 1 है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? n − 1। क्यों? क्योंकि n को मैंने 8 मान लिया, n क्या है हमारा 8 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? n − 1। इसी तरह यहाँ पे 6 आया, तो बच्चों 6 को क्या लिखोगे? 8 − 2, ये भी तो 6 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? n − 2, यहाँ पर n − 3, और ये कब तक हमको करते जाना है? जब तक हमको क्या ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए, ठीक। तो n फैक्टोरियल जो हुआ, n फैक्टोरियल अगर मैं एज अ फॉर्मूला समझू तो क्या बोलूंगा n फैक्टोरियल को? n − 1 n − 2 n − 3 डॉट डॉट डॉट, जब तक हमको क्या ना मिल जाए? 1 ना मिल जाए, ठीक है ना। तो ये अच्छा, ये क्यों समझा रहा हूं? अभी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए समझना जरूरी है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज देखो बच्चों, कि अगर आपको देखो एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया है, ऐसे दे दिया गया है 20 फैक्टोरियल, और नीचे आपको ऐसे दे दिया गया 16 फैक्टोरियल, ऐसे कह दिया गया, ठीक। तो एक बात हमेशा याद रखना, आप कभी भी इसको ऐसे मत कट करना कि सोचना कि 2 × 8 = 16 और 2 × 10 = 20, तो ये 10 फैक्टोरियल हो गया, ये 8 फैक्टोरियल हो गया, फिर इसको 2 से कट कर लो, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, तो 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ये ऐसे मत करना, कभी भी ये गलती मत करना। बहुत लोग ये गलतियां करते हैं, मगर ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल, ऐसे दिया है, ठीक। हम क्या करेंगे, देखो पहले इसके अगर फैक्टर बनाओगे इसके हिसाब से, तो ऐसे तो लिखोगे 20 × 19 × 18, यहां ऐसे आकर रोक लिया मैंने फैक्टोरियल पर, 18 फैक्टोरियल तक रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्योंकि बच्चों 18 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 18 × 17 × 16, जब तक 1 ना मिल जाए। और नीचे भी देखो वही चीज दिखी है 18 फैक्टोरियल, तो इसको भी तो आप ऐसे लिखोगे 18 × 17 × 16, जब तक 1 ना मिल जाए। तो बार बार इसको क्या लिखना, हमने यहां तक आके ब्रेक कर लिया, वही चीज नीचे भी है। अब हम इसको ऐसे कट कर देते हैं, बात समझ में आई ना, कट कर दिया, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 19 × 2 = 38 380, ऐसे होगा ये, ठीक। कभी भी इसको ऐसे कट करके मत करना, कहानी समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अच्छा आगे देखो, आगे देखो, जैसे मान लो आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया गया, यहां पर दे दिया गया 14 फैक्टोरियल, और यहां पे दे दिया गया 12 फैक्टोरियल, और यहां पे दे दिया गया 3 फैक्टोरियल, ऐसे दे दिया क्वेश्चन, अब कह रहा है इसको सॉल्व करो। तो देखो बच्चों, पहले इसमें बताओ कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा फैक्टोरियल नंबर कौन सा है? ये वाला है ना, ठीक। और इसके बाद में दूसरा कौन सा बड़ा नंबर है, इसको छोड़ दो, फिर दूसरा कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है कि 12 बड़ा है? 12 फैक्टोरियल बड़ा है। तो देखो कहानी क्या है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले आप क्या करो, इस जो सबसे बड़े वाले नंबर को तब तक ब्रेक करो जब तक दूसरा सेकंड लार्जेस्ट जो नंबर है वो ना मिल जाए हमें। तो 14 को जब आप ब्रेक करोगे तो ऐसे लिखोगे 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल, ये मिल गया, ये वाला मिल गया, है ना, क्योंकि दूसरे नंबर पे बड़ा तो यही है, डिवाइडेड बाय जो ये नीचे दिया, इसको ऐसे भी कर रहे 12 फैक्टोरियल। अभी आया 3 को सॉल्व कर लो, 3 × 2 × 1, ऐसे लिख लिया हमने, ठीक। तो इसका फायदा क्या हुआ कि 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल खत्म हो गया कि नहीं हो गया। और इसको अगर आप काटो 2 से कट करो तो 2 × 7 = 14 मिल गया हमें। अब जो बचा उसको लिख लो तो कितना हो जाएगा, 7 × 13 / 3, ठीक, 13 × 7 = 91 / 3, तो ये आंसर हो गया, बात समझ में आई ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मिलेगा,
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। कभी भी आप इसको मत काटने लग जाना कि टू से कट कर लो छह मिल गया, इसको कट कर लो कि हमें सात मिल गया, तो ऐसे मत करना, ये गलतियां मत करना। ठीक, तो अब बताओ फैक्टोरियल समझ में आया, फैक्टोरियल की कहानी समझ में आ गई, पक्का ना? ठीक है। अच्छा आप देखो बच्चों, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना जरूरी है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, वो क्या चीज होती है हम समझते हैं। ओके, तो देखो बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, ठीक ध्यान से समझो बच्चों। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमें दो बातें गिवन होंगी, है ना, दो बातों का बस ध्यान रखना है। क्या? सबसे पहला जो होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक, अब ये क्या चीज है, बहुत मतलब दो मिनट में समझ जाओगे, बहुत आसान है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये एडिशन समझते हैं, जो नंबर वन क्या है एडिशन, नंबर टू है मल्टीप्लीकेशन। तो पहले एडिशन के बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक बेटा, एडिशन में यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में क्या होगा, क्या होगा बहुत ध्यान से देखो, इसके में, इसमें मतलब इसके क्वेश्चन में, इसमें हमें दो या दो से ज्यादा इवेंट, टास्क या कंडीशन गिवन होंगी। क्या कहा, बहुत ध्यान से समझो बात को, इवेंट टास्क या कंडीशन गिवन होंगी दो या दो से ज्यादा, और हम एक टाइम पर सिर्फ एक ही इवेंट को पूरा कर पाएंगे, एक टाइम पे एक ही इवेंट को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, नहीं समझे समझाते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि कोई एक लड़का है, कोई एक लड़का है पप्पू, मान लेते हैं कोई एक लड़का है पप्पू। ठीक है, अच्छा भैया, तो पप्पू क्या किए कि एक दिन पप्पू अपने पापा के साथ, ठीक है, पापा के साथ गया कहाँ, बाहर घूमने गया। ठीक, तो वहां एक दुकान पर रुकते हैं, और पप्पू के पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं है, है ना, ज्यादा पैसे नहीं है, कम पैसे लेकर गए। ठीक, तो एक दुकान पर रुकते हैं, तो उसने देखा, पप्पू ने देखा कि वहां पर टॉफी भी है और चॉकलेट भी है। क्या है, दुकान पर टॉफी भी है और चॉकलेट भी है, मगर पप्पू के पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं है। बहुत ध्यान से बात को समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए पप्पू ने देखा कि वहां पर, ठीक है, वहां पर तीन तरह की टॉफीज हैं। क्या है, तीन तरह की टॉफीज, ऐसे मान लो, जैसे ये टॉफी वन, टॉफी टू, टॉफी थ्री, तीन टॉफी है, ठीक, और दो चॉकलेट है, दो चॉकलेट है ना, चॉकलेट वन एंड चॉकलेट टू। ठीक, लेकिन पप्पू के पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा, अब यहां पर देखो दो या दो से ज्यादा कंडीशन होंगी, तो देखो दो यहाँ पे इवेंट दिए हैं, इवेंट बेटा मैथमेटिक्स में जो कंडीशन होती है इसको इवेंट कहते हैं या टास्क कह सकते हैं। ठीक, तो भैया पप्पू जब दुकान पे गया तो उसने क्या देखा, उसको टॉफी भी दिख रही है, चॉकलेट भी दिख रही है, टॉफी भी और चॉकलेट भी, तीन तरह की टॉफी होगी। जैसे मान लो कोई एक अलग अलग टॉफी होगी ना, एल्टन लीबी होगी, कोई दूसरी होगी, एक्लेयर्स होगी, अलग अलग टॉफियां होंगी, और इसी तरह से दो चॉकलेट भी हैं। ठीक, और पप्पू के पापा के पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, तो पप्पू के पापा ने क्या कहा कि भैया तू या तो चॉकलेट ले ले, या तो चॉकलेट ले ले, या तो टॉफी ले ले। देखो दो कंडीशन दी है ना, टॉफी और चॉकलेट, दो इवेंट, और दोनों में एक टाइम पर केवल एक ही पूरा करना है, या तो टॉफी खरीद लो या तो चॉकलेट ले लो। ठीक, और देखो दूसरी लाइन क्या है, इसमें कहीं ना कहीं और लिखा हुआ मिलेगा, या और की फीलिंग मिलेगी, फीलिंग मिल रही है। देखो पप्पू के पापा ने क्या कहा, भैया या तो तुम टॉफी ले लो और या तो चॉकलेट ले लो, है ना, और का मतलब जानते हो ना, और का मतलब या तो, है ना, या तो, ये बात याद रखना। तो क्या कह रहे हैं, मतलब दोनों बातें एक साथ पूरी नहीं हो सकती, दोनों कंडीशन एक ही टाइम पे पूरी नहीं हो सकती। क्या कहा उन्होंने, पप्पू के पापा ने क्या कहा कि बेटा या तो तू टॉफी खरीद ले या तो चॉकलेट खरीद ले, क्योंकि पैसे ज्यादा नहीं है। तो अब या तो वो टॉफी खरीदेगा या चॉकलेट खरीदेगा, दोनों एक साथ पूरे नहीं हो सकते, एक ही टाइम पर एक ही इवेंट पूरा होगा, या तो टॉफी खरीदेगा या चॉकलेट खरीदेगा। ठीक, और देखो और मतलब या तो, ऐसी वाली फीलिंग मिल रही है ना कि एक बार में एक ही चीज पूरी हो सकती है कि नहीं। तो जैसे मान लो बच्चों यहां पर कितनी टॉफी है, एक दो तीन, तो या तो वो ये वाली टॉफी ले सकता है, या तो ये वाली टॉफी ले सकता है, या तो ये वाली टॉफी ले सकता है, और अगर टॉफी नहीं लेगा तो चॉकलेट के पास उसके दो ऑप्शन है,
क्या ऑप्शन है, चॉकलेट वन और चॉकलेट टू, दोनों में से कोई एक ले सकता है। बेटा इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें नंबर ऑफ वेज पता करते हैं। वेज का मतलब समझते हो ना, तरीके, यानी कितने तरीके से टॉफी ले सकता है, कितने तरीके से चॉकलेट ले सकता है। तो टॉफी लेने के उसके पास तीन तरीके हैं, या तो वो टॉफी वन ले लेगा, या टॉफी टू ले लेगा, या टॉफी थ्री ले लेगा। और अगर टॉफी नहीं लेगा तो चॉकलेट लेने के कितने तरीके हैं, या तो वो चॉकलेट वन खरीद लेगा या चॉकलेट टू खरीद लेगा। बात समझ में आई, दोनों एक साथ नहीं खरीद सकते, एक बार में एक ही खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बेटा एडिशन में क्या होता है, एडिशन में हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। क्या करना होता है, प्लस। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टॉफी लेने थे, टॉफी खरीदने के कितने वेज हैं, एक दो तीन, है ना, टॉफी, या तो टॉफी वन या टॉफी टू या टॉफी थ्री, तीन। और चॉकलेट खरीदने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो प्लस टू, तो टोटल कितने हो जाएंगे, फाइव वेज हो जाएंगे। फाइव वेज यानी पांच तरीके हैं जिनसे वो या तो टॉफी खरीद सकता है या फिर चॉकलेट खरीद सकता है। बात समझ में आई, एक बार में एक ही कहानी पूरी हो सकती है, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है, समझ में आया। चलो अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक। अच्छा मान लो भैया ये जो पप्पू था ना, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा मतलब शादी के लायक हो गया, ठीक। अब पप्पू की शादी है, बढ़िया बैंड बाजे बज रहे हैं, ठीक है। तो पप्पू की शादी है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, ये बता देता हूं। अब भैया पप्पू की शादी है तो क्या होता है, ध्यान से देखो। पप्पू के पास पहनने के लिए, पप्पू के पास पहनने के लिए, भैया पप्पू की शादी है, बढ़िया सजेगा धजेगा, तो पहनने के लिए मान लेते हैं उसके पास दो शेरवानी है ना, दो शेरवानी है, एस फॉर शेरवानी, शेरवानी वन शेरवानी टू, ऐसे मान लिया, ठीक, शेरवानी वन और शेरवानी टू, है ना भैया, शादी में तो पहनेंगे ना, बढ़िया बैंड बजेगा, ठीक है। अच्छा, और पप्पू के पास मान लेते हैं तीन सूट है, सूट मतलब कोट पैंट, है ना, तीन सूट है। तो सूट को ऐसे लिख देता हूं, एस टी मतलब सूट, या ऐसे लिख लेता हूं, एस यू मतलब सूट, ठीक है। तो तीन सूट है, सूट वन सूट टू सूट थ्री, ऐसे समझो, ठीक। तो पप्पू के पास दो शेरवानी है शादी में पहनने के लिए, या फिर तीन सूट है। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर वो, अब यहां पे देखो इवेंट कितने हैं उसके पास, दो हैं, या तो शेरवानी या तो सूट। अब अगर शादी में उसने शेरवानी पहनी है तो जाहिर सी बात है फिर वो सूट नहीं पहनेगा। कभी देखा है कि सूट के साथ शेरवानी पहन ली हो, कोट पैंट पहन के फिर वो शेरवानी पहनता है क्या, है ना, ये तो केवल दलेर मेहंदी कर सकते हैं, तुरुक तुरुक ताना, ठीक। तो ऐसा तो है नहीं, तो या तो भैया पप्पू क्या पहनेगा, शेरवानी पहनेगा, या तो फिर सूट पहनेगा। क्या दोनों पहन सकता है क्या, मतलब शादी में शेरवानी और सूट दोनों पहन के तो नहीं बैठेगा ना, एक बार में एक ही चीज पहनेगा ना। तो क्या होगा इसमें, देखो और वाली फीलिंग आ रही है, और वाली फीलिंग कि भैया या तो वो शेरवानी पहनेगा अपनी शादी में, या फिर सूट पहनेगा अपनी शादी में, या तो शेरवानी या तो सूट। तो बच्चे सूट पहन, शेरवानी पहनने के कितने तरीके हैं उसके पास, दो वेज हैं, या तो शेरवानी वन पहनेगा या शेरवानी टू पहनेगा, टू। अच्छा, सूट पहनने के कितने उसके पास वेज हैं, या तो सूट वन या सूट टू या सूट थ्री। ये क्या मिल रहा है, और वाली कंडीशन, एडिशन। तो हमें क्या करना है, टू प्लस थ्री फाइव वेज, यानी पांच तरीके हैं जिनसे वो क्या कर सकता है, या तो शेरवानी पहन सकता है या फिर सूट पहन सकता है। बात समझ में आ गई, तो ये एडिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक। इसमें क्या होगा बच्चों, दो या दो से ज्यादा इवेंट होंगे, लेकिन एक बार में एक ही टाइम पर हम सिर्फ एक इवेंट पूरा कर सकते हैं, या तो ये वाला या तो वो वाला, ठीक। और क्वेश्चन में, अभी मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, और लिखा हुआ मिलेगा, या और नहीं होगा तो और की फीलिंग आएगी। जैसे देखो इसमें और की फीलिंग आ रही है, या तो शेरवानी पहने या फिर सूट पहने, ठीक है। बात समझ में आई, बोलो आया ना। अब देखो बच्चों, सेकंड रूल पे आते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, ठीक। एडिशन की कहानी तो समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या होगा बच्चों, देखो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम पहले की तरह ही है। इसमें हमें दो या दो से ज्यादा इवेंट, टास्क या कंडीशन गिवन होगी, और हम पहले फर्स्ट इवेंट फिर सेकेंड इवेंट को पूरा करेंगे, ठीक। देखो पहले वाले में क्या होता था, एक बार में एक इवेंट पूरा हो सकता था, या तो ये या तो वो। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो दो इवेंट होंगे, तीन इवेंट होंगे, जितने भी इवेंट हो, तो पहले फर्स्ट इवेंट फिर सेकंड इवेंट फिर थर्ड इवेंट, ऐसे कंप्लीट करेंगे, ठीक।
दूसरी चीज क्या है कि इसके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें एंड लिखा मिलेगा, एंड लिखा मिलेगा या फिर एंड वाली फीलिंग मिलेगी। पहले वाले में क्या था, और लिखा हुआ मिलता था, ओ आर या तो। ठीक है, चलो आप बात को समझो, इसका क्वेश्चन होगा कैसे। ठीक, जैसे भाई चलो वही पप्पू वाला एग्जाम्पल लेते हैं, पप्पू फिर से छोटा हो गया। ठीक है, फिर से छोटा हो गया तो फिर से भैया वो गया बाहर घूमने के लिए पापा के साथ, लेकिन अब की बार पप्पू के पापा के पास पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं। ठीक, तो पप्पू भैया वही सेम दुकान पे फिर से पहुंचा, उसने फिर से टॉफी देखी और चॉकलेट देखी। क्या देखा उसने, फिर से पप्पू ने तीन तरह की टॉफी देख ली, T1, T2, T3, चल भैया इस बार चार कर लो, चार तरह की उसने टॉफी देखी। ठीक, और तीन तरह की चॉकलेट देखी, चॉकलेट 1, चॉकलेट 2, चॉकलेट 3। तो अब भैया इसके पिताजी के पास अच्छे खासे पैसे हैं। ठीक, तो अब की बार पप्पू जिद करने लगा, क्या मुझे टॉफी भी चाहिए, मुझे चॉकलेट भी चाहिए, पापा मुझे सब दिलाओ। ठीक है, अच्छा तो भैया उसके पापा ने कहा ठीक है भाई, तू चॉकलेट भी ले ले और टॉफी भी ले ले, तू चॉकलेट भी ले ले और टॉफी भी ले ले, मतलब एंड वाली बात हो रही है। देखो हमें यहाँ पे दो इवेंट है ना, टॉफी और चॉकलेट, टॉफी भी खरीदेगा और चॉकलेट भी खरीदेगा। बात को समझो, टॉफी भी एंड चॉकलेट दोनों चीजें खरीद सकता है वो। ठीक, पहले वाले में क्या था, या तो टॉफी या चॉकलेट, तो देखो दोनों बातें हो रही हैं। तो पहले हम फर्स्ट इवेंट को लिखेंगे, फिर सेकेंड इवेंट को पूरा करेंगे। ठीक, तो बच्चे बताओ अब यहाँ पे चीज देखो, टॉफी खरीदने के उसके पास कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, और चॉकलेट खरीदने के कितने ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, और बात हो रही है एंड वाली, एंड वाली फीलिंग। तो एंड वाले में हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। देखो इसमें एंड वाली फीलिंग आ रही है ना, कि टॉफी भी खरीदना है एंड चॉकलेट भी खरीदना है, टॉफी भी एंड चॉकलेट भी, दोनों चीजें खरीदनी है। तो टॉफी भी खरीद सकता है, चार टॉफी है, चार तरीके हो गए उसके पास, और चॉकलेट तीन है, तो तीन तरीके हो गए, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 3 12, यानी 12 तरीके हैं उसको इस इवेंट को पूरा करने के। बात समझ में आई कैसे, देखो ऐसे समझो, बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं। देखो ध्यान से देखो, जैसे मान लो बच्चे उसने पहली टॉफी खरीदी, तो पहली टॉफी के साथ वो क्या कर सकता है, अगर उसने टॉफी बंद खरीदी तो वो चॉकलेट बंद भी ले सकता है, चॉकलेट टू भी ले सकता है, चॉकलेट थ्री भी ले सकता है, ऐसा कर सकता है। अगर मान लो उसने पहली टॉफी नहीं ली तो दूसरी टॉफी ली होगी, तो भी क्या कर सकता है, वो चॉकलेट वन ले सकता है, चॉकलेट टू ले सकता है एंड चॉकलेट थ्री ले सकता है, ऐसा कर सकता है ना। अगर मान लो उसने दूसरी टॉफी भी नहीं ली होगी तो तीसरी वाली टॉफी ली होगी, है ना, तीसरी ब्रांड की, तो अब क्या होगा, फिर से वही, तो वो चॉकलेट वन भी ले सकता है, चॉकलेट टू भी ले सकता है और चॉकलेट थ्री भी ले सकता है। अच्छा फिर क्या, अगर उसने तीसरी भी टॉफी नहीं ली, मान लो चौथी टॉफी ली, तो फिर वही चीज, वो चॉकलेट वन भी ले सकता है, चॉकलेट टू भी ले सकता है, चॉकलेट थ्री भी ले सकता है। तो बेटा कितने यहाँ पे तरीके हो गए, तीन 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 तीन, तो तीन तीन छह, तीन नौ, तीन बारह, यानी 12 तरीके हैं उसे इस इवेंट को पूरा करने के। 12 तरीके हैं, कौन सा, या तो वो टॉफी वन, अगर टॉफी वन ले रहा है, मान लो चॉकलेट वन ले रहा है, अगर टॉफी वन ले रहा है या चॉकलेट टू ले रहा है, टॉफी वन ले रहा है या चॉकलेट थ्री ले रहा है। ठीक, इस तरह से करके, लेकिन दोनों चीजें पूरी हो रही है, पहले फर्स्ट इवेंट फिर सेकंड इवेंट। इसी तरह अगर तीन इवेंट होते तो उसके बाद तीसरा भी करते। तो बात समझ में आई, देखो इसमें फीलिंग आई कि इसमें दोनों बातें पूरी करनी है, दोनों बातें पूरी करनी है। ठीक है, पहले वाले में क्या होता था, या तो एक बार में एक ही कंडीशन पूरी हो सकती थी। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही, बोलो कि नहीं है, ठीक है ना। चलो अच्छा, इस पे हम लोग दो तीन क्वेश्चन लगाते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो फटाफट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ध्यान से पढ़िए, देखिए इसमें क्या कह रहा है। देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन अ क्लास, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीचर चूज वन स्टूडेंट फॉर अ मॉनिटर पोस्ट। बहुत ध्यान से बात को समझो, देखो क्या कह रहा है कि एक क्लास में क्या है, बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो इसमें जो बॉयज हैं बच्चों वो 15 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 10 हैं। बहुत ध्यान से बात को समझना, लड़के 15 हैं, लड़कियां 10 हैं। ठीक, और अब देखो क्वेश्चन को समझो कि टीचर को क्या करना है, किसी एक बंदे को मॉनिटर बनाना है। पहले यहां पे देखो दो इवेंट हैं,
दो इवेंट है, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, ठीक। अच्छा अब हमें क्या करना है, मतलब हमें नहीं सॉरी टीचर को क्या करना है कि एक बंदे को मॉनिटर बनाना है। तो बच्चों ये बताओ, अब या तो वो बॉय बन सकता है या तो गर्ल बन सकती है, क्या एक ही टाइम पे दो मॉनिटर बन सकते हैं? नहीं बनेंगे ना, एक बंदे को बनाना है। क्वेश्चन में देखो साफ साफ बोला है कि उसे सिर्फ एक बंदे को चूज करना है, एक बंदे को चूज करना है। अब वो या तो बॉयज को चूज कर सकती है या तो गर्ल्स को। फीलिंग आ गई, या वाली फीलिंग आई, और वाली ओ आर और वाली फीलिंग आई कि नहीं आई, है ना? यही चीज अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन ये होगा। तो बच्चों ये मुझे बताओ कि बॉय को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 15 वेज हैं, और गर्ल्स को सिलेक्ट करने के 10 वेज हैं, है ना? इनमें या तो बॉय को चूज करेंगे या गर्ल्स को चूज करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए मॉनिटर पोस्ट के लिए? 25 वेज। कितने? 25, यानी 25 तरीकों से एक मॉनिटर चुना जा सकता है। 15 लड़कों में से कोई एक लड़का हो सकता है या 10 लड़कियों में से कोई एक लड़की हो सकती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला है? अ पर्सन हैज 3 शर्ट एंड 4 टी शर्ट। ध्यान से देखो, ये शर्ट हो गई और ये टी शर्ट हो गई, ठीक। तो कितनी उसके पास शर्ट है? 3 शर्ट है और 4 टी शर्ट है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, 3 शर्ट है और 4 टी शर्ट है, ठीक भैया, ओके। फिर बोला इन हाउ मेनी वेज कैन ही वियर शर्ट और टी शर्ट। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें और आ गया, ओ आर और, ओ आर और। अभी बताया जब और आ जाए या और की फीलिंग आ जाए क्या करना होता है? प्लस करना होता है, प्लस करना होता है, ठीक। मतलब कहने का या तो वो शर्ट पहनना है या टी शर्ट पहनना है। अगर शर्ट पहनना है तो टी शर्ट नहीं पहनेगा, टी शर्ट पहनेगा तो शर्ट नहीं पहनेगा। तो बच्चे शर्ट को चूज करने के 3 तरीके, टी शर्ट को चूज करने के कितने? 4 तरीके। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 7। उसके पास 7 तरीके हो गए जिनसे वो शर्ट पहन सकता है या फिर टी शर्ट पहन सकता है। बोलो बात समझ में आई? हाँ, ना ठीक है ना। चलिए एक और लगाते हैं क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है इसमें। देयर आर 5 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन अ क्लास, ओके। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीचर चूज 1 बॉय एंड 1 गर्ल फॉर अ प्रोजेक्ट। अब देखो बच्चों इसमें कहानी क्या हो गई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहले बोला क्या? बॉयज, फिर गर्ल्स। बॉयज कितने हैं? 5 हैं। गर्ल्स कितनी हैं? 10 हैं। और टीचर को क्या करना है? कोई एक प्रोजेक्ट होगा वो कंप्लीट करना होगा, उसमें उन्हें एक लड़के की और एक लड़की की जरूरत है। एक बॉय भी लेना है और एक गर्ल भी लेना है। और क्वेश्चन में ध्यान से देखो एंड भी लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो एंड वाली कहानी आई, यानी मल्टीप्लिकेशन वाली बात आ गई। क्यों? क्योंकि देखो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए उन्हें एक लड़का भी चाहिए, लड़की भी चाहिए, लड़का और लड़की दोनों चाहिए। पहले लड़का सेलेक्ट किया फिर लड़की सेलेक्ट की, या पहले लड़की सेलेक्ट कर लो फिर लड़का सेलेक्ट कर लो, बात है ना? तो देखो दोनों चाहिए, दोनों, है ना? प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए क्या चाहिए? लड़का भी चाहिए और लड़की भी चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों बातें पूरी हो रही है, ठीक। किसकी? एंड वाली फीलिंग आई, मल्टीप्लिकेशन वाली। तो इसमें क्या हो जाएगा? बॉय को सिलेक्ट करने के 5 तरीके, गर्ल को सिलेक्ट करने के 10 तरीके, टोटल कितने हो गए? 50 तरीकों से क्या हो सकता है? बॉय और गर्ल्स को चूज किया जा सकता है। बोलो समझ में आया ना? तो बच्चों अब इसकी कहानी समझ में आने लगी कि नहीं, कि क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसा आएगा, ठीक। जब भी एंड वाला हो मल्टीप्लाई कर दो, एंड की फीलिंग भी समझ गए क्या होगा, आपको दो या दो से ज्यादा इवेंट दिए होंगे, और पहले हम फर्स्ट इवेंट को कंप्लीट करेंगे फिर सेकंड इवेंट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा एक और बिंदास क्वेश्चन लगाता हूं आपको, अगर थोड़ा बहुत डाउट है ना तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों अब देखो एक चीज को समझो, यहां पर देखो, है ना, एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए कोई एक शहर है ए, ठीक, और यहां पर कोई एक शहर है सी, ठीक, और यहां पे एक शहर है बी, ठीक, और कोई एक बंदा है जिसको ए से सी में जाना है, सिटी ए में है वो और सिटी सी में जाना है, सिटी ए में है सिटी सी में जाना है, ठीक है। अच्छा बात को समझो, ध्यान से देखो क्या हुआ। लेकिन ए से बी तक जाने के मान लो 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। 3 रास्तों से
ए से बी तक जा सकते हैं, ठीक। और उसके बाद जब बी पहुंचोगे तो बी से सी तक जाने के सिर्फ दो रास्ते हैं, मतलब समझो बात को। मतलब एक बंदा जिसको ए से सी जाना है, लेकिन ए से सी जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, डायरेक्ट रास्ता नहीं है सी जाने का। आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले बी तक जाना पड़ेगा, फिर बी से सी तक जाना पड़ेगा, ठीक। कोई डर जैसे देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो यार ये लखनऊ है, ठीक, और हमें जाना है कानपुर, लखनऊ से जाना है कानपुर। तो लखनऊ और कानपुर के बीच में क्या पड़ता है? उन्नाव पड़ता है ना। आपको पता होगा जो लोग लखनऊ में रहते हैं, पता है ना, और जो कानपुर में रहते हैं उनको भी मालूम होगा। तो क्या है कि भैया लखनऊ से उन्नाव जाने के लिए तीन रास्ते, ठीक, और फिर उन्नाव से कानपुर जाने के दो रास्ते। मान लीजिए रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3। और यहां पे मान लो फिर ये रास्ता को, ये 1 2 3 हो गया, इसको एल से लिख लेता हूं, लाइन 1 और लाइन 2, ठीक है। दो रास्ते हैं उन्नाव से कानपुर के लिए, ठीक है भाई, ठीक है, एल लिख दिया मैंने, एल L1 L2, ओके। अच्छा तो आप बच्चे बताओ, अगर किसी को लखनऊ से कानपुर जाना है तो यार जाहिर सी बात है उसको उन्नाव तो होकर जाना पड़ेगा, मालूम है कि नहीं आप लोगों को, ठीक। उसी तरह से मान लो ए से उसको सी तक जाना है, तो पहले बी तक गया फिर बी से सी तक जा रहा है, ठीक। तो फिर से देखो बच्चों, इसमें कौन सी कंडीशन आएगी? अगर आपको ए से सी तक जाना है तो पहले क्या करोगे? पहले आप ए से बी तक जाओगे फिर बी से सी तक जाओगे। एंड वाली फीलिंग आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? ऐसा तो है ही नहीं कि आप ए से डायरेक्ट सी तक पहुंच गए, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है। तो पहले ए से बी तक गए, फर्स्ट इवेंट कंप्लीट, फिर बी से सी तक गए, सेकेंड इवेंट कंप्लीट। तो बात किसकी हो रही है? मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन की। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो पहले वो रास्ता नंबर 1 से लेगा, ठीक, या तो रास्ता 2 लेगा या रास्ता 3 लेगा। और यहाँ पे मान लो ये इसको मैंने लिख दिया L1 और ये L2। तो मान लो अगर उसने रास्ता, अब यहाँ पे देखो बात को समझो, ध्यान से देखो कैसे। अगर वो रास्ता 1 से जा सकता है, रास्ता 2 से जा सकता है, या रास्ता 3 से जा सकता है। अगर उसने रास्ता 1 लिया, यहाँ पहुंच गया बी पर, तो उसके बाद उसके पास दो ऑप्शन हो गए, या तो L1 से जाएगा या L2 से जाएगा, ठीक। अगर उसने R1 नहीं लिया, R2 से गया, तो भी उसके पास दो चॉइस हैं, वो L1 से जा सकता है या L2 से जा सकता है। और अगर मान लो वो R2 से नहीं गया, R3 से जाना चाहता है, तो भी उसके पास दो चॉइस हैं, वो L1 से जा सकता है, L2 से जा सकता है, ठीक। तब वो कहां पहुंचेगा? ए से सी पर पहुंच जाएगा, ए से सी पर पहुंच जाएगा। तो पहले ए से बी जाएगा फिर बी से सी जाएगा। तो कितने हो गए? ये दो रास्ते हो गए, ये दो रास्ते हो गए, ये दो रास्ते हो गए। टोटल कितने हो गए उसके पास? 6 तरीके हो गए। 6 तरीकों से, या तो आप ऐसे समझ लो ये 3 रास्ते हो, यहाँ पे ये 2 रास्ते, तो 3 2 3 2 6, ठीक, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, यानी पहले फर्स्ट इवेंट कंप्लीट होगा, पहले फर्स्ट इवेंट कंप्लीट करने के 3 तरीके, सेकंड इवेंट कंप्लीट करने के 2 तरीके, टोटल कितने हो गए? 6 तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए, ठीक। तो बोलो क्या इसमें कोई डाउट था? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आया? बच्चों परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझने से पहले ये चीज बहुत जरूरी है जानना, ठीक है, क्योंकि ये मैंने शुरू में ही बता दिया है कि पूरा का पूरा चैप्टर फीलिंग का है, लॉजिक का है। अगर आप फीलिंग और लॉजिक समझ गए तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, कोई काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्लियर हुआ? बोलो, है ना। तो अब बच्चों इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, ओके, जय हिंद।